हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम आखिरी जो ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट होगा एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का 21 से 22 अक्टूबर वो करेंगे, और जिनका भी मेंस है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। और बाकी जो भी देख रहे हैं ये वीडियो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए और 2024 के एम के लिए, उनको भी ऑल द बेस्ट उनकी प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे एक आई बटन भी आ रहा होगा जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे फेस्टिवल्स के कवर कर रखे हैं, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन फेस्टिवल्स का नहीं छूटेगा। 1 आवर की वीडियो है, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल। इफ़ पी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉट ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1। तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विल गिव यू कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में डिवाइड बाई कॉट ए कॉस अपॉन साइन, दैट विल गिव यू सी बाय सी अपॉन एस, सी सी कैंसिल, तो पी की वैल्यू आपकी आ गई साइन ए के बराबर। तो देयरफॉर पी स्क्वायर माइनस 1 यानी साइन स्क्वायर ए माइनस 1 विल गिव यू माइनस कॉस स्क्वायर ए। आगे चलते हैं। अ शॉपकीपर बाइज एंड सेल्स द शुगर एट द सेम प्राइस, बट इफ़ ही मॉडिफाइज हिज वेइंग मशीन सच दैट ही स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 18%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100,000 ग्राम शुगर इज ₹2x एंड द मशीन इज चेंज विच शोज 1,000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 920 ग्राम, देन वॉट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सेलर 920 की चीज़ को 2x पे बेचता है, 920 को 1,000 का बोल के, जिसमें उसे कुछ प्रॉफिट के हिसाब से बेच रहा है 18% के, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो इस क्वेश्चन मार्क को लेट इट बी वाई, ठीक है। तो बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं कि 920 को जो हम 2x पे 118% के प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो वो 1,000 यूनिट कितने, तो 1,000 वो यूनिट किस एसपी पे सेलिंग प्राइस पे वो बेचेगा। 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से जाएगा, 2 5 ज़ार 10, 2 9 ज़ार 18, 25 इंटू 4, देन अगेन ये गया 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 5 ज़ार 10, एंड फिर से 23 एंड 5, कुछ वो ये 4 है, यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ 4 लिखना, ठीक है। तो ये आपका वाई हो गया 23 इंटू 59 डिवाइड बाई 25 इंटू 25, दैट इज 625, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 23 इंटू 9 आपका होता है 207, और 23 इंटू 5 होता है आपका 115, क्या है 1357। 1357 डिवाइड बाई 625 विल गिव यू 2 पॉइंट, और ये गया 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 5, 1250, तो ये 1,000 के करीब आएगा पॉइंट के बाद। तो ये फिर से 2.1, तो ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ एक ही बन रहा है, तो 2.1712x विल बी योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। स्नेहा बायस सम लेमन्स एट 7 for a rupee एंड सेल्स देम फॉर 5 for a rupee, देन फाइंड हर प्रॉफिट परसेंटेज। उसको 2 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 7 पे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 28% आता है। आप बताइएगा ये सही किया कि नहीं। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ये दे रखा है 1 अपॉन cos इंटू साइन माइनस 1 अपॉन sin अपॉन cos प्लस 1 अपॉन cos। ये साइन कॉस ऊपर चला जाएगा, नीचे सी एस का एल सी एम लेंगे तो 1 माइनस सी का स्क्वायर प्लस एस आएगा, ठीक है। 1 माइनस सी स्क्वायर कितना होता है, ये आपका होता है एस स्क्वायर प्लस एस अपॉन सी एस, तो एस एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन s/c। 1/c दैट इज सेक ए साइन बाय कॉस प्लस टैन ए विल बी योर आंसर, थर्ड वन। आगे। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 24, 36 एंड 48 डेज रिस्पेक्टिवली।
इफ बी लीव 7 days बिफोर द कम्प्लीशन एंड ए लिव 3 days बिफोर द कम्प्लीशन, देन द वर्क फिनिशेज इन हाउ मेनी डेज? पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं. ये आएगा 9 × 16, ठीक है. 3 8s आर, तो ये 3 2s आर 6 आ गए यहाँ पे. 4 9s आर, तो यहाँ पे 4 बचा. ये होता है आपका 16. 3s आर 48, तो यहाँ पे 3 आया. ये है ए बी और सी. बी 7 दिन पहले काम छोड़ देता है. अच्छा, तो जो 7 दिन का काम है वो ए और सी ने किया है, लेकिन इसमें क्या है, ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है. तो यानी सी ने 3 दिन पहले अलोन काम किया है, ठीक है. तो 3 3s are 9 यूनिट्स काम किया है पहले, ठीक है. फिर उसके बाद 7 दिन पहले छोड़ दिया, तो यानी और 3 दिन निकाल देंगे, तो 4 days जो है ए और सी ने काम किया है. तो 4 days ए और सी ने काम किया है, तो 9 यूनिट काम किया है. तो 9 की एफिशिएंसी के साथ 4 9s are 36 यूनिट्स काम किया है. तो टोटल कितना काम हुआ 7 days में आपका, ये हुआ 36 + 9 = 45 यूनिट्स. और वैसे आपकी टोटल यूनिट्स कितनी आ रही हैं, ये हैं 69144 यूनिट्स. तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपकी 99 यूनिट्स जो हैं वो काम किया है ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर, दैट इज़ 10/13. तो ये आपका आया 13 7s are 91, 8/13 डेज काम किया है ए बी सी ने साथ में. तो बताना है टोटल कितना टाइम लगा. तो ये लगेगा आपका 7 + 7, 14, 8/13 डेज विल बी योर आंसर. आगे चलते हैं. नितिन डज अ लेट नाइट जॉब फ्रॉम हिज होम. एट 2 PM ही डिसाइड्स टू टेक अ ब्रेक एंड हैव अ साउथ इंडियन मील. देर आर 3 रेस्टोरेंट्स नियर बाय हिज होम नेम्ड एज ए बी एंड सी. हाउएवर बाय 2 PM दे मे नॉट हैव साउथ इंडियन मील. द इंडिपेंडेंट प्रॉबिबिलिटीज ऑफ द रेस्टोरेंट्स ए बी एंड सी फॉर साउथ इंडियन मील आर 0.4, 0.7 and 0.25 respectively. Then find the probability that the restaurant B doesn't have a South Indian meal at 2 p.m. Okay, but restaurant A has. ठीक है, तो ये हमें कंडीशन देख के चलना है और प्रॉबिबिलिटी निकालनी है कैसे आएगी. तो यानी ये वेरी करेगा, तो ये दूसरा आएगा 0.75. सी रेस्टोरेंट पे वेरी करता है ये दोनों कंडीशन लेके. तो ये आएगा आपका 0.4 × 0.7 × 0.25 फर्स्ट कंडीशन, प्लस या तो ये होगा या फिर 0.4 × 0.7 × 0.75 होगा, ठीक है. इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. ये मैंने जब कैलकुलेट किया था तो ये आ रहा था 0.03 + 0.09, तो दैट विल गिव यू 0.12 एज योर आंसर. आगे चलते हैं. वॉट इज द एच सी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 324 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 180? तो यह है एक्स माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 18. और यहाँ पे अगर आप इसकी जीरो देखेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8x माइनस 180. तो ये आपको देगा एक्स प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 8, सॉरी, ये आपको देगा 18x माइनस 10x. ये आएगा आपका एक्स प्लस 18 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 10. तो एक्स प्लस 18 इसका इन दोनों में एच सी एफ हो गया. आगे चलते हैं. इफ 3a प्लस 5/a इक्वल्स टू माइनस 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a² + 2, वेयर a इज एन इंटीजर. यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अगर हम a को माइनस 1 लिखें तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो यानी 5 − 1² + 2, दैट विल गिव यू 5 + 2 = 7 विल बी योर आंसर. आगे चलते हैं. इफ द साइज ऑफ द ट्राइंगल आर 14, 48 and 50 cm, देन वॉट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये ट्रिपलेट है अगर आप देखोगे तो 2 से 7 = 24 / 25 का, ठीक है. तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 14 × 48, दैट विल गिव यू 48 × 7 = 56, 7 × 28 + 5, दैट इज 336 square centimeter. डी विल बी योर आंसर. आगे चलते हैं.
अ बॉय कैन फिल 4 लीटर्स ऑफ वाटर इन 3 मिनट्स एंड अ गर्ल कैन फिल 3 लीटर ऑफ वाटर इन 4 मिनट्स, देन इन वॉट टाइम विल 100 लीटर्स ऑफ वाटर बी फिल्ड? तो यहाँ पे एफिशिएंसी बॉय की कितनी आई 4/3 और गर्ल की कितनी आई 3/4, ठीक है, और टोटल लीटर्स आपको भरना है 100। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 3 और 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी के लिए, एंड जब हम यहाँ से 3 और 4 के कर रहे हैं तो ऊपर रेशियो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 16 और यहाँ पे 9। तो 16 + 9 दैट इज़ 25 की एफिशिएंसी से हमें टाइम निकालना है। 25 × 4, 4 4 16 × 3 दैट इज़ 48 मिनट्स विल बी योर आंसर। अब बताइएगा ये सही है कि नहीं। इफ एक्स इक्वल्स टू 9 + 9 × 9 + 9/9 एंड एक्स बाई वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 9 + 9 × ये 9/9 × 10 आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 99। यहाँ पे पुट करेंगे तो 99/y = 11/9, कंपेयर करेंगे तो 9, देयरफॉर y = 81। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हमें सिंप्लीफाई करना है। 3/4 sin a - sin a + sin a cos² a, 3/4 s - s + s cos² को हम लिख सकते हैं 1 - s², ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, 3/4 s - s + s - s³, ठीक है। तो ये s s कैंसिल हो गया। अगर हम 4 LCM लेंगे तो ये आएगा 3s - 4s³/4। आपको पता होगा sin 3a = 3 sin a - 4 sin³a, तो ये वही बनेगा। तो इसका सिंपल आंसर हो गया sin 3a/4, तो c विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, इफ एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 40 एंड इफ ईच ऑफ 60% ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 14 एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज डिक्रीज बाय 5, देन द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर्स इज 60% आपका होता है 3/5, ठीक है। तो लेट करो आपके ओरिजिनल नंबर्स हैं 5 जिनका एवरेज है 40, जिनमें से 3 को आपने 14 से इंक्रीज किया है और बाकी जो 2 हैं उनको 5 से डिक्रीज किया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पर्स एवरेज में इंक्रीज होगा कितने का, ये होगा 14 × 3 = 42 - 10 दैट विल गिव यू 32/5 विच इज 34 6.4, तो 36.4 विल बी योर न्यू एवरेज। आगे चलते हैं, फाइंड द डेटाज मोड एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली। इसका मोड और मीडियन निकालना है। तो पहले हमें इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो ये आपका आएगा 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, then 11, 12, and then 15। तो मोड तो क्लियरली दिख रहा है कि आपका 9 होगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, और मीडियन जो होता है वो मिडिल डेटा होगा। तो ये टोटल 13 डेटा सेट्स है, तो इसकी 7 टर्म विल बी योर मीडियन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 8 विल बी योर मीडियन, 9 and 8, सो सी विल बी योर आंसर। आगे, द इनिशियल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स एंड इनिशियल नंबर ऑफ हिंदी बुक्स इन द लाइब्रेरी वर इन द रेशियो ऑफ 5:3 and after 2 days the number of hindi books is increased by 20%. If the initial number of english books were 4000 then find the number of hindi books after increase. So 5 ki value aapko 4000 de rakhi hai, wo ek unit ki value aapki aayi 800 and initially aapki aayi 800 into 3 books, theek hai, aur is pe 20% ka increase hua yani 1/5 ka increase hua,
6/5 टोटल नंबर ऑफ बुक्स आएंगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 6 18 एंड 18 8 144 इंटू में आपका 100/5 कर रहे हैं इंटू 20 ये आएगा 2880 एज योर आंसर। आगे चलते, द वैल्यू ऑफ द मशीन डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 15% ऑन इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। इफ द करंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 9826 देन हाउ मच वॉज इट वर्थ 3 ईयर्स अगो। लेट इट बी एक्स, तो इसकी वर्थ निकालनी है, दैट विल बी 17/20। 17/20 से डिप्रिशिएट हुआ है 3 साल यानी 3 बार, और फिर उसकी करंट वैल्यू 9826 आई है आपकी। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, 17 से जाएगा ये आपका आएगा 578, फिर से 17 से जाएगा 34, फिर से 17 से 2, एंड एक्स की वैल्यू क्या आई, 2 2 4 2 8 16,000 विल बी योर आंसर। आगे, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ पॉलीगन इफ द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ द पॉलीगन इज 720 डिग्री। तो 180 इंटू एन माइनस 2 की वैल्यू आपको 720 दे रखी है, एन की वैल्यू निकालनी है, ये कैंसिल हुआ, 18 4 72 देयरफॉर एन की वैल्यू आपकी 6 आ गई। आगे, इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी, ये निकालना है। अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये और ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस है तो इस ट्राइंगल में आइसोसेलेस हो गया, तो ये भी आपका 48 डिग्री आ गया, ये दोनों 48 डिग्री हो गए, तो 2 8 16 2 4 96 डिग्री हुआ। तो एंगल बी ओ सी कितना आएगा, ये आपका 180 - 96 होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 494 डिग्री। ठीक है, ये 94 डिग्री आया, तो बी ए सी इसका हाफ होगा जस्ट, तो ये आएगा 2 4 8 आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी, ये 2 8 16 196 आया, और 84 आएगा ये, सॉरी यहाँ पे 84 आ गया, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 42 डिग्री एज योर आंसर बी। आगे चलते हैं, इफ x²-1/x² = 5√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x²-1/x². x²-1/x² की वैल्यू 5√2 दे रखी है, तो x²+1/x² की वैल्यू क्या होगी, ये पता होगा कि अगर ये x है तो इसकी वैल्यू, अगर ये k होता है तो x²+1/x² होता है आपका k²+4। तो यहाँ पे ये आएगा 5 5 25 into 2 50 + 4 दैट इज़ √54, एंड √54 आपकी कितनी वैल्यू होती है, ये आपकी आती है 3√6। तो x²-1/x² कितना होगा, ये आपका आएगा x²-1/x² इंटू में x²+1/x² x²-1/x² की वैल्यू 5√2 इंटू में, अभी हमने x²+1/x² निकाला 3√6, तो 2 2 इसमें कॉमन आ गया, तो 2 5 10 30 √3 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, सुनील टुक 500 ml मिल्क इन अ वेसल, ही देन रिप्लेसेस 35 ml मिल्क विद वाटर, देन अगेन फ्रॉम मिक्सचर 35 ml इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द मेसल आफ्टर दिस। तो ये क्या होगा, 500 इंटू में कितना ml मिल्क रिप्लेस हुआ है, 1 - 35/500 कितनी बार हुआ है, ट्वाइस हुआ है, और इसका रेशियो निकालेंगे इंटू में 1/500। ठीक है, इसको
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 500 इंटू में 5 से 100, तो 100 1 माइनस 7 अपॉन 100 का स्क्वायर दैट इज 93/100 इंटू 93/100 इंटू में 1 अपॉन 500। 500 कैंसिल हुआ, 93 का स्क्वायर आपका होता है 8649 अपॉन में आपका आ गया 10,000। ये मिल्क और वाटर का आपका रेशियो है, तो ए विल बी योर आंसर। आगे चलते, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 41 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 7.5 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर इसमें पाई से मल्टीपल है, मल्टीपल चेक कर लेते हैं कि 11 का मल्टीपल है कोई कि नहीं। ये आपका होता है 8 और 5, 13 माइनस 2 11, ये बन रहा है 5 14 और 1, नहीं ये नहीं बन रहा, 14 में से 7 गए 7, ये भी नहीं बन रहा, और 8 और 5 13 माइनस 8 5, ये भी नहीं बन रहा, तो ए विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, इन हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स विल अ सम ऑफ रुपीज 3600 बिकम्स 8775 एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। 8775 यानी 3600 अगर हम माइनस करेंगे तो 7515 इक्वल्स टू 3600 एट 15% रेट फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते, 15 से कर लेते पहले, 15 3 45 97, 67, 15 4 60, 15 5 75। ठीक है, अब इसे 3 से कर लेते, ये 12 आया और यहाँ पे आया 3 1 3 3 1 3, 3 5 15, तो देयरफॉर एन की वैल्यू क्या आई, 115 डिवाइड बाय 12, दैट इज 12 9 are 108, एंड उसके बाद कितना बचा 7, तो 12 5 are 60, तो 9.5 के अराउंड आएगा, तो यानी 9 years and 7 months विल बी योर आंसर। आप बताइएगा ये सही है कि नहीं। आगे चलते हैं, फॉर अ ट्राइंगल जे के एल, एक ट्राइंगल है हमारा जे के एल जिसमें मिड पॉइंट्स हैं जे के एम और एन। ठीक है, के एल की वैल्यू आपको 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एम एन निकालना है, तो एम एन सिंपली इसका हाफ हो जाएगा 21/2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते, इन अ ट्रेन देर आर 12 कंपार्टमेंट्स एंड 1 इंजन, द लेंथ ऑफ द ईच कंपार्टमेंट इज 1.2 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द इंजन, द ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ 192 मीटर इन 30 सेकेंड्स, then find the length of the engine in meter if the speed of the train is 60 km/h। लेट करते हैं, ट्रेन का इंजन भी x, तो उसके कंपार्टमेंट की वैल्यू आई 1.2x, तो टोटल लेंथ कितनी हुई आपकी 12 × 1.2x + x, ये आया 14.4x + x, दैट इज 15.4x लेंथ हो गई। इसमें आपको अब जो कंडीशन दी है बस लगा दीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 15.4x + 192 / 60 × 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में करना है, इक्वल्स टू 30, ये आपको गिवन है। अब इसको सॉल्व कर लेते, 6 3 = 18, 6 5 = 30, 3 से यहाँ पे 20 आ गए, फिर 15.4x + 192 आपको देगा 2 5 = 10 100, दैट इज़ 500, इसमें से 192 जाएगा तो ये कितना आएगा 8 0 3 308, तो x की वैल्यू कितनी है 15.4 / 8, ये सिंपली दुगना है, तो 20 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, 21³ + 22³ + 23³ + so on + 30³। इसमें फॉर्मूला लगेगा n + 1/2 का होल क्यूब का। ठीक है, ये सम
का स्क्वायर, ये एन क्यूब का समेशन होता है, ठीक है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, 30 तक के को माइनस करेंगे, दैट इज 30 इंटू 30 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस में आपका आएगा 21 से शुरू है तो 20 या का अलग निकालेंगे, 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 15 इंटू 31 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 21 का होल स्क्वायर। अब देखोगे यहाँ पे 5 आएगा यूनिट डिजिट और इधर यहाँ पे 0 आएगी यूनिट डिजिट, तो 5 माइनस 0 यूनिट डिजिट करेंगे तो यूनिट डिजिट में 5 आना चाहिए, ऑप्शन में एक में ही है, सी विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 30% ऑफ द टोटल कैपिटल, बी इन्वेस्ट 40% ऑफ द रिमेनिंग एंड सी इन्वेस्ट द रेस्ट। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 12,000 देन ए'ज शेयर इन द प्रॉफिट इज, लेट 100 बी द प्रॉफिट, तो 30% तो ए ने लगा दिया, ठीक है। फिर बी 40% लगाता है रिमेनिंग का, यानी 70 का 2/5 लगाता है, या फिर 40/100 ही लिख दो कन्वीनियंस के लिए, 0, 0, तो 28, ए बी का 28 और सी का कितना रिमेनिंग है, तो 58, तो ये हो गया 42 सी की इन्वेस्टमेंट है। तो रेशियो कितना आया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15:14:21, ये आ गया ए बी सी का रेशियो। तो ए का प्रॉफिट निकालना है टोटल 12,000 के प्रॉफिट में से, तो ए का प्रॉफिट आपका हुआ 15/50 × 12,000, 0, 0, 2, 15, 2 is 30, 12, 3 is 36, तो 3600 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, द सम ऑफ रिमाइंडर्स ऑब्टेन बाय 12112 by 11 and 13223 by 13 is, इनको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है उनका समेशन बताना है। तो अगर हम 11 से करेंगे तो 11 was 11, फिर से 11 से गया 0, 11 was 11, यहाँ पे आया 1 रिमाइंडर, यहाँ पे देखेंगे 13 was 13, 0, 2 क्या आ रही हुआ, 13 was 13 से ही जाएगा, तो ये 7 और 2 9, 19, 3, 13 से 91, 93 से 91 गया 2, यहाँ से 2 रिमाइंडर आया, तो समेशन रिमाइंडर्स का कितना हुआ, 3 विल बी योर आंसर। आप बताइएगा ये सही किया कि नहीं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड हुज बेस इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5 मीटर एंड हाइट 20 मीटर। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या होगा, 6 × √3/4 a² 5 × 5 × 20, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 4s are 12 6 2s are 12, ये कैंसिल हो गया, दिस विल गिव यू 5 5s are 25, 250 √3 स्क्वायर मीटर क्यूब विल बी योर आंसर। आगे, a solid iron cone is hammered and molded into a wire of radius 8 millimeter. If the height of the cone is 1/75 of the length of the wire, then what is the radius of the cone? Length of the wire, let length wire ki rahe 75L, theek hai, to height of the cone kitni ho gayi, L, kyunki 1/75 hai. Ab equal karte hai volume ko, theek hai, तो ये क्या होगा, आयरन कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, कोन का रेडियस दे रखा है 8 मिलीमीटर एंड इसको सेंटीमीटर में करना है, तो 1 मिलीमीटर = 10 सेंटीमीटर करेंगे, तो 8/10 8/10 r²h, हाइट ऑफ द कोन दे रखी है 1/75, तो ये हमने अभी h निकाला, l इक्वल्स टू आपको दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द वायर विल बी πr²
आर हमें निकालना ही है, तो आर स्क्वायर आर ही ले लेते थे। एच एच कितना है आपका, लेंथ ऑफ द वायर 75 L, एल से एल कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने गलत कर दिया, तो वो मैंने गलत कर दिया था, उसमें गलती से मैंने रेडियस कोन का ले लिया था, वो वायर का है। तो 1/3 π r² एच कितना दे रखा है, हाइट ऑफ द कोन एल, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर पाई, 8/10 × 8/10 एच कितना दे रखा है, 75 L। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एल से एल कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 25 4 25 × 3, ठीक है, 4 2 8, तो आर की वैल्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हम ये हम यहाँ पे देखें, 4 × 3 आएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू आई 12 सेंटीमीटर। एवरेज ऑफ पी क्यू एंड आर इज 45 ईयर्स, एंड एवरेज ऑफ क्यू आर एंड एस इज 40 ईयर्स, देन 6 ईयर्स अगो द सम ऑफ पी एंड एस वॉज 57 ईयर्स, देन फाइंड द एज ऑफ एस आफ्टर 8 ईयर्स। तो पी प्लस क्यू प्लस आर आपको दे रखा है 45, एंड क्यू प्लस आर प्लस एस दे रखा है 40, तो देयरफॉर पी माइनस एस की वैल्यू आपकी आई 5। सिमिलरली आपको क्वेश्चन में दे रखा है 6 ईयर्स अगो पी एंड एस का सम 57 था, तो 6 ईयर्स लेटर कितना होगा, एक एक हर एक का 6 6 ऐड होगा, यानी 12 ऐड होगा 57 में, तो ये देगा आपको 69। एस की वैल्यू निकालनी है तो इसको माइनस करेंगे, तो -2s = -, आपका आएगा 64। तो एस की वैल्यू कितनी आई आपकी, 32। इसमें एस आफ्टर 8 ईयर्स निकालना है, तो एस की एज कितनी आई आफ्टर 8 ईयर्स, 40 ईयर्स विल बी योर आंसर। तो यही थे हमारे SSC CGL मेन्स ऑल ओवर बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट के पॉइंट के क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो एग्जाम जर्नल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।